दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट को चमकता हुआ सितारा मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेलेगी और इससे पहले हुई टेस्ट सीरीज में विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने का निर्णय ले लिया, जिसके बाद क्रिकेट जगत में भूचाल आ गया है और क्रिकेटरों की पत्नी ने भी बहुत बड़े बयान दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या कहा है क्रिकेटरों की पत्नी ने अपने इन बयान में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, किस क्रिकेटर की पत्नी सबसे ज्यादा सुंदर है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है और अब वो एक बल्लेबाज के रूप में भारतीय टीम के लिए अपनी सेवाएं देंगे और कोहली अब किसी भी फॉर्मेट या लीग में कप्तानी नहीं करेंगे और वो वनडे T20 और IPL टीम की कप्तानी पहले ही छोड़ चुके हैं। और विराट के कप्तानी छोड़ने के बाद BCCI ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि विराट सबसे महान कप्तानों में से एक है और ऐसे क्रिकेटर कभी कभार पैदा होते हैं। और BCCI ने स्टार बल्लेबाज के टेस्ट कप्तान के पद से हटने के बाद कहा कि ये एक व्यक्तिगत निर्णय था और बोर्ड इसका सम्मान करता है। और कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1-2 से सीरीज हारने के एक दिन बाद शनिवार को टेस्ट की कप्तानी को अलविदा कहा और उन्होंने 7 साल तक लंबे फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी की और भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे। तो वहीं विराट कोहली के नेतृत्व में भारत ने 68 में से 40 टेस्ट जीते और विराट विश्व क्रिकेट में सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में से एक है। और विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और क्रिकेट जगत के दिग्गजों से लेकर बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों तक सभी ने कोहली को कप्तान के रूप में शनिवार करियर के लिए शुभकामनाएं दी हैं। और इस बीच विराट की पत्नी अनुष्का शर्मा ने एक भावुक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने विराट के कप्तान बनने से लेकर अब तक की सभी यादें साझा की हैं। और अनुष्का ने इस लंबे चौड़े पोस्ट के साथ विराट की एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें वो भारत की टेस्ट जर्सी पहने हुए हैं और खुलकर हंस रहे हैं। और विराट की तरह अनुष्का ने भी अपनी पोस्ट में धोनी का जिक्र किया है, हालांकि इसके अलावा किसी दूसरे खिलाड़ी के बारे में अनुष्का ने नहीं लिखा है। और अंत में उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी इस 7 सालों की सीख अपने पिता में देखेगी। और ऋतिका ने अपने बयान में कहा है कि विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है और उनका भारतीय क्रिकेट के लिए हमेशा से ही 100% योगदान रहा है, लेकिन शायद उनके ऊपर दबाव आ गया और उन्होंने अपने प्रदर्शन को देखते हुए कप्तानी से इस्तीफा देने का निर्णय किया। तो वहीं मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहान ने कहा है कि विराट कोहली हमेशा से ही एक बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन उनका अचानक से कप्तानी से इस्तीफा दे देना किसी के भी गले नहीं उतरेगी क्योंकि विराट कोहली सदैव ही भारतीय टीम के लिए एक बेहतर कप्तान के रूप में साबित हुए हैं और उनका कप्तानी में 100% योगदान देना ही भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन विराट कोहली का दबाव शायद उनके ऊपर ही हावी हो गया और उन्होंने अपनी कप्तानी भी त्याग दी। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट में कैप्टन विराट का सफर खत्म हो चुका है। दोस्तों, धोनी के बाद कोहली टीम इंडिया के कप्तान बने और उन्होंने 9 दिसंबर 2014 को टेस्ट की कप्तानी संभाली थी और उस समय 26 साल के थे। और कोहली ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और इनमें टीम इंडिया को 40 में जीत मिली, तो वहीं 17 मैच उन्होंने गंवाए और 11 मुकाबले ड्रॉ रहे। दोस्तों, आपके हिसाब से विराट कोहली के बाद टेस्ट में कप्तान कौन रहेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।